हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, कल आ गया है फ्री फायर में OB29 अपडेट। यहाँ पर हर अपडेट के बाद गरेना यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स करती है या फिर कुछ चीज़ें नहीं ऐड करती है, और वो सारे चेंजेस यहाँ पर गरेना हमको बता देती है अपडेट करने के टाइम पे। लेकिन हर अपडेट में गरेना कुछ सीक्रेट चेंजेस भी करती है, जैसे कि सेटिंग्स बदल दी या फिर सेंसिटिविटी बदल दी, और वो हमको बताती नहीं है। और OB29 अपडेट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सीक्रेटली चेंज की गई है, और आज हम वीडियो में यही बात करने वाले, वो कौन से सीक्रेट चेंजेस है जो गरेना ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया बट चेंज जरूर की है। तो आपको भी जानना है कि ये सारी चीज़ें क्या है, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको गेम प्ले में इफेक्ट होने वाला है अपडेट के बाद। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हमारे लिस्ट में है सेंसिटिविटी। आपको पता है कि हर अपडेट में गरेना सेंसिटिविटी चेंज करती है गेम की, और ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि अपडेट के बाद आपके हेडशॉट कम लगते हैं, ड्रैग कम लगते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हर अपडेट में सेंसिटिविटी थोड़ी ना थोड़ी चेंज होती ही होती है, बट गरेना यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं करता कि सेंसिटिविटी चेंज की गई है। और OB29 अपडेट में भी यहाँ पे सेंसिटिविटी में चेंज की गई है। यहाँ पे मैं बोलूँगा सेंसिटिविटी चेंज नहीं की है, यहाँ पे गेम प्ले को स्मूथ किया गया है ज़्यादा। और गेम प्ले स्मूथ से मेरा मतलब है गरेना ने यहाँ पे कैमरा का जो मूवमेंट है ना, वो ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। उससे आपका क्या होगा, आपको लगेगा सेंसिटिविटी बढ़ गई है, बट एक्चुअली सेंसिटिविटी सेम टू सेम है, बट कैमरा ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। उसके वजह से एकदम स्मूथली ड्रैग अप डाउन होता है, तो आपको लगता है कि सेंसिटिविटी में थोड़ा चेंज आ गया है। यहाँ पर जो बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी में खेलते हैं उनको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर। सेकेंड चीज़ जो चेंज की है गरेना ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेम प्ले के अंदर, और वो है स्विचिंग स्पीड। स्विचिंग स्पीड उसको बोलते हैं जो आप एक वेपन से दूसरे वेपन पे स्विच करते हो और उसके बीच में एक टाइम लगता है, उसको बोलते हैं स्विचिंग स्पीड। तो गरेना ने इस वाले अपडेट में स्विचिंग स्पीड में थोड़े से चेंजेस किए हैं। बट चेंजेस बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्विचिंग स्पीड से होता क्या है। मान लो आप किसी से फाइट कर रहे हो और आप गन स्विच करके एकदम से ऊपर ड्रैग करते हो, तो आपकी बुलेट कभी कभी फायर नहीं होती है। आपका स्क्रीन ऊपर हो जाता है बट आपकी बुलेट फायर नहीं होती है। मैं आपको गेम प्ले में दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड में आप चेक कर सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको तब लगता होगा भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सा बग है, क्यों फायर नहीं हो रहा, बट ये बग नहीं है, गरेना ने जानबूझ के गेम में डाला हुआ। क्योंकि अगर ये फायरिंग डिले गेम में नहीं होगा तो गेम बहुत ही ज़्यादा इम्बेलेंस हो जाएगी। तो यही जो टाइम है एक गन स्विच करके बुलेट फायर करने का, वही टाइम यहाँ पे कम किया है ये OB29 अपडेट में गरेना ने। तो इससे पहली चीज़ ये होगी, जो आपको ऊपर ड्रैग होता था और बुलेट फायर नहीं होती थी, वो आपको कम देखने को मिलेगा यहाँ पर, और आपकी स्विचिंग की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मेरे गेम प्ले में स्विचिंग की स्पीड कितनी ज़्यादा है। अभी कुछ बंदे कमेंट्स में बोलेंगे भाई एक्सेल भाई आप तो पीसी पे खेलते हो, हम पीसी पे नहीं खेलते, हम तो मोबाइल प्लेयर, हमारी स्विचिंग स्पीड इतनी ज्यादा कैसे होगी। तो भाई रुको भाई, मैंने दोनों में ट्राई कर लिया है, पीसी में भी ट्राई किया है, मोबाइल में भी ट्राई किया, उसके बाद ही बोल रहा हूँ। मैंने दोनों में गेम प्ले करके ट्राई कर लिया है अपडेट के बाद, और उसके बाद ही बोल रहा हूँ कि स्विचिंग स्पीड इंक्रीज कर दी है। अभी आपका जितनी स्विचिंग स्पीड होगी उससे ज्यादा इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी बहुत ही कम स्विचिंग स्पीड है और आपका आसमान में पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। जितनी होगी उससे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगी बस। तो खैर आगे बढ़ते हैं, और लिस्ट पे नंबर 3 पे है रेंज ऑफ स्पार्स। मुझे पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, बट इस अपडेट में OB29 अपडेट में स्पार्स में 2x स्कोप लगा दिया है। जी हाँ, SG वाले गन में 2x स्कोप लगा लिया है गरेना वालों ने, और उसकी वजह से यहाँ पे स्पार्स की रेंज काफ़ी बढ़ गई है। और आपको पता है कि रेंज का और वन टैप या वन शॉट का सीधा सीधा यहाँ पे कनेक्शन है। जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना इजीली आप वन टैप मार पाओगे सामने वाले बंदों को, और इसीलिए बंदे M1887 से ज़्यादा अच्छे हेडशॉट मार पाते हैं M10 की कंपेयर में। तो इस अपडेट के बाद है ना, स्पार्स की रेंज M1887 से भी ज़्यादा हो गई है, और बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उससे वन टैप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगते हैं। आप एक बार ट्राई करना ट्रेनिंग ग्राउंड में, आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा रेंज है और कितने इजीली वन टैप लगते हैं यहाँ पर। तो इस अपडेट के साथ साथ एक गेम में नई मार्क्समैन राइफल भी आई है जिसका नाम है AC-80। तो उसका भी रिव्यू आप दे देते हैं इसी वीडियो में, तो आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे AC-80 को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे गेम प्ले रिकॉर्ड किया है, तो आप वही देख लो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा गन कैसी है।
एक लाइन में यहाँ पे AC-AT की रिव्यू, तो आपको अगर ड्रैगन और वुडपेकर चलाना आता है तो आपको ये गन भी चलानी आएगी। तो लिस्ट में फिफ्थ पर है M4 विद M4 चिप। तो अभी आप बैटल ग्राउंड में ही M4 को अपग्रेड कर सकते हो M4 चिप के साथ, जो कि मिलती है वेंडिंग मशीन में से। और अपग्रेड के यहाँ पे तीन पार्ट है, M4X, M4Y और M4Z, और M4Z जो कि अल्टीमेट है। तो मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसका आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। बस उसकी फायर रेट सुनना और जज करना भाई कितनी फास्ट फायर रेट है यहाँ पे, और डैमेज भी देखना डैमेज कितना बढ़ रहा है। तो सिक्स हमारे लिस्ट पे के सारे SMG गन्स की यहाँ पे रेंज इंक्रीज कर दी है सारी, मतलब UMP ले लो, MP5 ले लो, MP40 ले लो, सारी की सारी जो SMG वाली गन्स है। तो देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे गेम पे। मैंने तो यहाँ पे जितनी गेम खेली उसमें मुझे कोई इतना नोटिसेबल चेंज नहीं दिखा SMG वाली गन्स की रेंज में, बट आप भी एक बार खेल के ट्राई करना और आप मुझे बताना कमेंट्स में अगर आपको डिफरेंस लग रहा है रेंज में SMG एमओ वाली गन्स में। SMG गन्स की बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक और चीज़ है, SMG मजल, जो कि अपडेट में नया आया है। अब इस अपडेट के बाद गरेना जितनी भी अलग अलग एमओ टाइप वाली गन है उसकी एक एक स्पेसिफिक चीज़ निकाल दी है यहाँ पर, जैसे कि SMG का SMG मजल हो गया, AR का AR मैगजीन हो गया। तो पहले SMG मजल की बात करते हैं, उसके बाद AR मैगजीन की भी बात करेंगे। देखते हैं SMG मजल के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, बूस्ट डैमेज फॉर SMG ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट फायरिंग। तो इसका मतलब है जब आप कॉन्स्टेंट फायरिंग करोगे तो आपका डैमेज ज़्यादा पड़ेगा। तो ये भाई ये मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट फायरिंग नहीं करता, मैं स्प्रे नहीं करता, लेकिन जो लोग SMG से स्प्रे करते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसके साथ भी एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा दे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं AR मैगजीन की और उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। बूस्ट फायरिंग रेट फॉर AR फायर आर्म्स बट रिड्यूसेस मैगजीन स्टोरेज, मतलब आपकी टोटल मैगजीन कैपेसिटी कम हो जाएगी बट आपका रेट ऑफ फायर जो भी गन होगा उस पर बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये अटैचमेंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैगजीन आपको इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं होती, 30-40 एमओ पहले से ही होता है मैगजीन में। तो आप ये लगा लोगे तो आपकी रेट ऑफ फायर और बढ़ जाएगी, और इसका भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया है तो आप वो देख लो पहले। तो इस अटैचमेंट को इक्विप करके ऑलमोस्ट 5% के आसपास रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है वेपन का, तो वही फ्री का रेट ऑफ फायर तो किसको नहीं पसंद ना। तो 9th नंबर पे यहाँ पे मैप में बहुत ज़्यादा इनहेलर इंक्रीज कर दिए गए हैं, और कुछ लोग को लग रहा होगा भाई इनहेलर में कौन सी बड़ी बात है, बट मेरे लिए है क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ K कैरेक्टर, और K कैरेक्टर के साथ आप अगर इनहेलर यूज़ करोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल चलता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की बट कहीं पे मेंशन नहीं किया था गरेना ने, तो मैंने मेंशन कर दिया। अगर यूज़फुल है तो बहुत अच्छी बात है, पर ना कोई बात ही नहीं है। और लास्ट यहाँ पे चीज़ है जो अपडेट के बाद नहीं आई है वो है, तो अभी लॉबी या ग्रुप में भी इम्यूलेटर या PC का साइन दिखता है। तो अगर आपके ग्रुप में कोई PC प्लेयर आता है तो आपको पता चल जाएगा, ग्रुप में ही आपको नीचे साइन दिख जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज़ इट, बस यही 10 चीज़ें थी जो मेरे को लगी कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ नया आपने ढूंढा है और अपडेट के बाद आपको पता चल रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं भी देखूंगा भाई और क्या चीज़ें जो मेरे से रह गई है बट नई चीज़ आई है। तो अगर आपको कुछ नया चीज़ पता चला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना आपको ये वाला अपडेट OB29 कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।